ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना फैसला पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन पर छोड़ा है। पार्टी की तरफ से बुलाई गई बैठक में पार्टी नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों की बैठक में पार्टी नेताओं ने शिबू सोरेन को अधिकृत किया है और इस मामले पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके और अब के जो है सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 जून को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। झामुमो की असमंजस की जो स्थिति है इसलिए बनी हुई है कि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी यानी एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में जेएमएम के सामने उहापोह की स्थिति है कि वो अब आदिवासी महिला को समर्थन करे या फिर गठबंधन धर्म निभाते हुए यशवंत सिन्हा को वोट करे। हालांकि झामुमो नेताओं का ये कहना है कि अभी और बातचीत होना बाकी है। राष्ट्रपति चुनाव पर यह तय हुआ कि जब चुनाव की स्थिति आएगी तो हम लोग निर्णय लेके आप लोगों को बता देंगे। कोई जो तमाम परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, कोई एक विषय पर तो बात होती नहीं, सारी विषयों पर बातचीत हुई। अभी कोई मामला नहीं, अभी कोई मामला नहीं। कल बाहर जा रहे, कल घाटशिला जा रहे। चर्चा हुई, अभी निर्णय नहीं हुआ है, अभी जस्ट चर्चा, दोनों पर चर्चा हुई है सभी स्थितियों पर, उसके बाद अभी तक तय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी एक बार फिर बैठेंगे सबके साथ। क्या मुख्यमंत्री? नहीं, अभी चर्चा, बहुत सारी चर्चा हुई है, बाद में चुनाव से पहले एक बार हम लोग फिर बैठेंगे। द्रौपदी मुर्मू को लेकर आप लोग की राय क्या? देखिए, वो ट्राइबल लेडी है, सही बात है, झारखंड संथाल हैं और जसवंत सिन्हा जी भी लोकल हैं, इसलिए तमाम बातों पर आपस में चर्चा हुई है, लेकिन अभी उसका निर्णय नहीं हुआ कि हम किधर जाएंगे। हो गया, आप बोल देते हैं, हम नहीं, हम अधिकृत नहीं हैं, हम कैसे बोल देंगे। हम इतना ही कहेंगे कि आज बैठक हुई और बैठक में ये निर्णय हुआ कि राज्य हित में, देश हित में जो उचित कदम होगा वो उठाया जाएगा, और अभी समय है, अभी एक दो चरणों की और बैठक होगी और उसके बाद हम किसी ठोस निर्णय पर पहुंचेंगे। सर, सीएम दिल्ली जा रहे हैं क्या? अब ये बात देखिए, ये मत कहा कि अभी बहुत समय है, अभी एक दो बैठकें और होंगी, उस बैठकों के बाद ही कोई निर्णय होगा। उपचुनाव 3 लोकसभा 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी। आजमगढ़ रामपुर लोकसभा सीट पर मतगणना जारी है। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर भी मतगणना लगातार जारी है। आजमगढ़ में सपा बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। आजमगढ़ में बीजेपी के निरहुआ आगे चल रहे हैं, बीजेपी के निरहुआ 5,033 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के मतों में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। संगरूर में शिरोमणि अकाली दल ने प्रत्याशी सिमरनजीत सिंह मान इस समय आगे चल रहे हैं, तो उतार चढ़ाव का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में निरहुआ जो कि बीजेपी प्रत्याशी है वो इस समय आगे चल रहे हैं, और संगरूर में शिरोमणि अकाली दल की प्रत्याशी जो है वो इस समय आगे चल रहे हैं। तो वोटों की गिनती लगातार जारी है। अब देखना होगा कि ये जो कांटे की टक्कर है उसमें क्या होता है। आजमगढ़ जो सीट है वो पहले से लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि अखिलेश यादव का गढ़ उसको माना जाता है। निरहुआ वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो पहले भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव से पहले उनका सामना हुआ था और हार गए थे, इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने फिर से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब तक की जो काउंटिंग है उसमें निरहुआ आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी वोटों की गिनती लगातार चल रही है, या फिर यूं कहें अभी तो शुरू ही हुई है, शाम तक बाकी है और लगातार जो गिनती चल रही है, कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। रामपुर सीट की अगर बात करें तो रामपुर में भी जो उतार चढ़ाव का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है और कांटे की टक्कर इन्हीं पार्टियों में लगातार देखने को मिल रही है। लोकसभा सीटों पर लगातार मतगणना जारी है और वहीं पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर भी मतगणना लगातार जारी है। आजमगढ़ में सपा बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर इस समय चल रही है, क्योंकि निरहुआ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी
प्रत्याशी हैं वो इस समय आगे चल रहे हैं, 5000 से ज्यादा वोटों से निरहुआ आगे चल रहे हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के मतों में भी इस समय उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर भी जो कांटे की टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है, तो दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर इस समय चल रही है। और पंजाब की संगरूर की सीट पर भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। अरविंद भटनागर रामपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, रामपुर एक ऐसी सीट जिसको आजम खान का गढ़ भी माना जाता है, वहां पर उतार चढ़ाव दोनों प्रत्याशियों के बीच में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। अरविंद, आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही। क्या अपडेट है काउंटिंग को लेकर, क्या अपडेट है? अगर 16वां राउंड यहां पर खुल चुका है और 16वां राउंड में सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और जहां पर देखा जाता है कि एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यहां पर सीट आजम खान की चलाई जाती है। हेलो, बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं रामपुर में, जैसा कि हमारे संवाददाता भी लगातार बता रहे हैं, रामपुर में भी कांटे की टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी वो आगे बढ़ते हुए काउंटिंग में और पिछड़ते हुए बीजेपी का प्रत्याशी। लेकिन आजमगढ़ में स्थिति एकदम उलट है, वहाँ पर निरहुआ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो इस समय काउंटिंग में आगे चल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर दोनों ही सीटों पर है। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, काउंटिंग को लेकर क्या अपडेट है संगरूर से? बिल्कुल, जो कि तरीके से सभी लोकसभा उपचुनाव की समय की नजर टिकी हुई थी, क्योंकि 14 दिन का कार्यकाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार का पूरा हो चुका है। बदलाव के चलते कहीं ना कहीं जो पंजाब की जनता है उनकी तरफ से पूरी फुल मेच्योरिटी के साथ यहाँ पर सत्ता में काबिज करवाई गई थी आम आदमी पार्टी की सरकार को। लेकिन यहाँ पर जितनी संपूर्ण लोकसभा चुनाव के अभी तक के नतीजे की बात करें तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर वहाँ पर देते नजर आ रही है। विनय सिंह मान जो कि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान भी, तो ऐसे में हुए हैं सुबह से ही चिरंजीत सिंह मान 5582 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। चिरंजीत सिंह मान दूसरे नंबर पर गुरमीत सिंह जो की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हुई वो चल रहे हैं। लेकिन जैसे जिस तरीके से मानसा की अगर बात करें तो जिले में जो मानसा आता है संघीय लोकसभा क्षेत्र में मानसा आता है, और मानसा से सिद्धू मूसे वाला ताल्लुक रखते थे, और जिस तरीके की इस वक्त बनी हुई है जैसे नतीजे आ रहे हैं इससे साफ झलकता है कि जो पंजाब की जनता है कहीं ना कहीं आक्रोशित है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी गुजरों की गई सिद्धू मूसे वाला से और उसके अतिथि ही उनकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे में जो युवा है उन्होंने बदलाव के चलते जिस तरीके से पहले सत्ता में काबिज करवाया था 3 दिन के पहले आम आदमी पार्टी को, लेकिन अब किसी कुछ और कहते हैं तो ऐसे में क्योंकि चुनावी वादे भी जो किए गए थे वो पूरे नहीं किए आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जो युवा का आक्रोश है वो इस वोट की वजह से ना कहीं उन्हें पता चल पा रहा है। और 31 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि संगरूर में इतना कम 50% से कम मतदान हुआ हो, तो ऐसे में जहाँ आम आदमी पार्टी ये दावे कर रही थी 5-6 लाख के वोट के माध्यम से वो ये सीट जीत जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। और 1 बजे सीटी भी क्लियर हो जाएगी। वही संगरूर में जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान है सिमरजीत सिंह मान जो लीड बनाए हुए हैं अभी तक, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और महज अपनी 30,000 वोटे रह चुकी है जिनकी काउंटिंग रहती है। तो ऐसे में अभी तक लीड शिरोमणि अकाली दल अमृतसर मान जो प्रधान है वो बनाए हुए हैं, तो ऐसे में कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है और स्थिति 1 बजे तक पूरी क्लियर हो जाएगी। ईशा, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब तक की जो काउंटिंग हुई है उससे लग ये रहा है कि आम आदमी पार्टी शायद पिछड़ सकती है, और सिद्धू मूसेवाला का जो हत्याकांड हुआ उसका शायद नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए आप जो संगरूर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर 9 विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र जो जीते थे आम आदमी पार्टी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में,
और 9 सीटें वहां से जीतेगी और 9 विधायक वहां से जीतेगी। यहां पर लगाई गई थी प्रचार के दौरान आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे और इसी के साथ करीब करीब 10 दिन लगाए थे कन्नौज में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान उनकी तरफ से, लेकिन देखें उन्हीं के गांव में करारी हार यहां पर हुई है आम आदमी पार्टी की। और जो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान उनका जो गाँव है कटोत वहां से श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान की जीत हुई है। काउंटिंग अभी तक जारी है, 30,000 वोटों की महज काउंटिंग रेट की है, लेकिन जीत यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में हार की तरफ कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर कांटे की तरफ जिस तरीके से ले रही है जो मार्जन है अगर आम आदमी पार्टी ले दी जाएगी ये सीट तो यहाँ पर जिस तरीके के दावे किए कि लाखों में ले जाएगी मार्जन में वैसा अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक की बढ़त की बात करें तो जी की मान बढ़त बनाए हुए। बहुत शुक्रिया ईशा इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो संगरूर में पंजाब के संगरूर का जो इस समय काउंटिंग को लेकर हालात हैं वो ये है कि शिरोमणि अकाली दल काउंटिंग में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी पिछड़ते हुए नजर आ रही है। इसकी बहुत सारी वजह बताई जा रही है, हालांकि अभी काउंटिंग लगातार चल रही है। अब देखना होगा कि बाजी कौन वहां पर मारता है, आम आदमी पार्टी या फिर शिरोमणि अकाली दल। तीनों ही सीटों पर इस समय काउंटिंग चल रही है, लगातार मतगणना लगातार चल रही है आजमगढ़ रामपुर और संगरूर की सीट पर। रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब तक की काउंटिंग में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी पिछड़ते हुए, और वहीं आजमगढ़ में निरहुआ जो कि बीजेपी प्रत्याशी है वो काउंटिंग में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और संगरूर का अगर आपको अपडेट बताएं तो संगरूर में इस समय श्रोमणी अकाली दल के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पिछड़ते हुए। बहुत सारी उसकी वजह भी बताई जा रही है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई हो या फिर कोई और वजह हो। तो काउंटिंग लगातार जारी है, लगातार हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे, लेकिन टक्कर चल रही है। काउंटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा कि आखिरकार क्या होता है, क्योंकि पार्टियों ने, लगभग सभी पार्टियों ने ताकत यहाँ पर झोंकी थी और कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं इन तीनों ही सीटों को लेकर। सुबह से काउंटिंग का दौर शुरू हो गया, सबको इंतजार है। तीनों सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उत्तर प्रदेश की दो सीटें चाहे वो रामपुर हो या फिर आजमगढ़ हो। रामपुर सीट जो कि आजम खान का गढ़ मानी जाती है और आजमगढ़ सीट जो कि अखिलेश यादव का गढ़ मानी जाती है। पहले वहां से डिंपल यादव के प्रत्याशी होने की सूचना भी और आ रही थी, ऐसी अफवाहें मानी जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रत्याशी बदल दिया सपा ने। राजेंद्र नगर का जो उपचुनाव है वहां पर इस समय आम आदमी पार्टी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर का भी इस समय उपचुनाव, वहां पर भी काउंटिंग चल रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ते हुए बहुत ताकत यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो की, अरविंद केजरीवाल खुद यहां पर रोड शो करते हुए नजर आए थे अपने प्रत्याशी के साथ में। राजेंद्र नगर में कई बार उन्होंने रोड शो किया था, रैलियां की थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई थी। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का यहां पर प्रचार किया था, अब तक की काउंटिंग में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में उतरे प्रचार करने के लिए, खुद सड़कों पर प्रचार करने के लिए उतरे, चाहे वो रोड शो के जरिए हो या फिर लोगों से वोट मांगने को लेकर हो। रोड शो जगह जगह राजेंद्र नगर में हुआ था, अरविंद केजरीवाल का प्रत्याशी खुद मौजूद थे, हालांकि रिस्पांस बहुत अच्छा खासा उनको मिल रहा था। ये अरविंद केजरीवाल का खुद भी कहना था और आम आदमी पार्टी का खुद भी कहना था कि जैसा हमें रिस्पांस मिल रहा है उससे लग यही रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत राजेंद्र नगर में होगी। तो इस उपचुनाव में अब तक की जो काउंटिंग है उसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चार सीटों का हाल इस समय हम आपको लगातार बता रहे हैं।
और इसी बीच महाराष्ट्र के सियासी हंगामे के बीच से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भगत सिंह कोश्यारी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। 22 जून को कोरोना पॉजिटिव हुए थे कोश्यारी, रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट थे कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना से ठीक होने के बाद आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। राज्यपाल कोश्यारी को बीते दिनों संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि इस समय महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट गहराया हुआ है, ऐसे में राज्यपाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरह से शिवसेना में दो फाड़ हुए हैं उस वजह से राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। वहीं अगर शिवसेना के बागियों की बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास करती है तो राज्यपाल की भूमिका अहम होगी, क्योंकि सरकार बनाने या फिर भंग करने का दावा राज्यपाल के पास जाता है।